हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक इनामदार फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन। और आज का टॉपिक है, हम ये ग्लास ऐसे बनाएंगे जिसको कहते हैं फ्रोस्टेड ग्लास, और ये है कलर्ड ग्लास। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे यही सीखेंगे आज के ट्यूटोरियल में। सो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। ये वो पहले वाला सीन है। मैं वापस मटेरियल में जाता हूँ और मैं यहाँ से एक नया मटेरियल लेता हूँ स्टैंडर्ड पर क्लिक करके। ये यहाँ मैं लेता हूँ VRay मटेरियल। सो मुझे और एक मटेरियल चाहिए, तो मैं इसका कॉपी लेके यहाँ ड्रैग और ड्रॉप कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ इसको नाम देता हूँ ग्रीन ग्लास। सो बेसिकली अभी हम देखेंगे कि जो कलर्ड ग्लास होती है वो कैसे करना है। बहुत हद तक, मतलब अगर कलर देना है कोई भी मटेरियल को, हम डिफ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जनरली हम कलर के लिए ऑफकोर्स डिफ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, बट क्या होता है कि रिफ्रैक्शन में अगर कलर्ड ग्लास चाहिए तो डिफ्यूज़ का इतना वहाँ रोल प्ले नहीं होता। सो बेसिकली यहाँ रिफ्रैक्शन में ही नीचे फॉग कलर है, तो हम यहाँ एडजस्ट करेंगे और उसको कलर देंगे। मैं इसको पहले रिफ्रैक्ट करता हूँ, 250 करता हूँ, जैसा हमने पहले भी ग्लास में 255 की वैल्यू नहीं ली थी, 255 की ली थी। यहाँ मैं लेता हूँ ऐसे ग्रीन बॉटल टुवर्ड्स डार्क होना है थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसको असाइन कर लेता हूँ, फिर बाद में उसको देखेंगे, और असाइन कर लेता हूँ। क्लास वन ये असाइन कर लिया, और इसको भी असाइन कर लेता हूँ। अब हम एक बार टेस्ट रेंडर करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पहले उसका मैं क्वालिटी थोड़ा कम कर लेता हूँ सेटिंग में, और ये जो पहले का ही सेटिंग है थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अभी नॉइस थ्रेशोल्ड कम करने से क्या होता है कि एकदम तुरंत आउटपुट मिलता है, 0.05 करता हूँ। अपने को क्या होता है, अभी जल्दी आउटपुट चाहिए, फिर अगर अच्छा रहा तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे। इमेज फिल्टर नहीं चाहिए, इससे भी थोड़ा सा स्पीड बहुत ही अच्छा बूस्ट होता है। इरिडियंस मैप वेरी लो रखेंगे, और ये ठीक है, ये तो 500 ठीक है, ऑलरेडी सरेंडर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ रेंडर एलिमेंट्स तो नहीं है, राइट, चलो। अब मैं यहाँ इसको एक बार रेंडर हिट कर लेता हूँ ताकि ये जल्दी रेंडर हो जाए। सॉरी, ये रेंडर ऑफ करके यहाँ रीजन रेंडर चल रहा, ठीक है, पॉज कर लेता हूँ। ये रेंडर हो गया है, और यू कैन सी यहाँ बहुत ही डार्क हो रहा है और यहाँ थोड़ा सा लाइट हो रहा है। बेसिकली ये जो देखेंगे, इसका जो मल्टीप्लायर है, यहाँ से हम इसका कलर का जो इंटेंसिटी है, जितना कलर हमको चाहिए उतना हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ अगर 0.5 करता हूँ तो ये जितना डार्क दिख रहा है वो कलर थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ है यहाँ कलर बायस, सॉरी फॉग बायस। उससे क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। अगर मैं ये 1 रखता हूँ तो दोनों में शेडिंग में, यहाँ और यहाँ के शेडिंग में भी फ़र्क आएगा। मैं वापस इसको रेंडर करता हूँ। मैं वापस पॉज कर लेता हूँ। अभी यहाँ देखेंगे तो यहाँ का कलर और यहाँ का कलर बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ का कलर। बेसिकली ये क्या करता है, फॉग बायस ये कलर को डिफरेंशिएट करता है रिगार्डिंग लाइट्स और शेडिंग। ये था कलर्ड
एक्चुअली अभी क्या करेंगे हम, अभी हम इसको फ्रॉस्टेड बनाएंगे। सो इसको मैं वापस ज़ीरो कर लेता हूँ और फॉग मल्टीप्लायर को 0.3 कर लेता हूँ। तो इस सीन दोनों को तो रहने देता हूँ, कलर को इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं क्लियर ग्लास मटेरियल असाइन करता हूँ। ये मैंने वापस इसको क्लियर असाइन कर दिया। अब इन दोनों को मेरा क्लियर ग्लास असाइन है, जैसे ऐसे वाला है, राइट। तो इसको मुझे फ्रॉस्टेड बनाना है, तो फ्रॉस्टेड बनाना बहुत ही आसान है अभी वीरे में। ग्लॉसीनेस अगर कम करते हो, ये 0.9 करते हो, तो सीधे सीधे मेरा जो रिफ्रैक्शन का ग्लॉसीनेस है, ये जो ग्लॉसीनेस दिख रहा है यहाँ, राइट, ये जो ग्लॉसीनेस दिख रहा है ये सारा कम हो जाएगा। और अगर आप इसमें मैप असाइन करते हो ब्लैक और वाइट का, तो उसमें भी वो काम करेगा। सो मैं वापस इसको रेंडर कर लेता हूँ, ये मैं इसको रेंडर करता हूँ। राइट, और सो ये रेंडर हो गया है। और देखेंगे तो ये जो पीछे का जो कलर उतना शार्पली दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है, यानी वो फ्रोस्टेड की तरफ जा रहा है। बट एक चीज़ अगर देखेंगे, ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो एकदम शार्प आ रहा है, जनरली ऐसा होता नहीं है। तो हम इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का रिफ्लेक्शन कम करेंगे। जैसे हमने यहाँ 0.9 किया, वैसे यहाँ 0.9 करता हूँ, तो इसका भी रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, राइट। अब भी मैं यहाँ से रेंडर रीजन निकाल देता हूँ और पूरा इमेज देख लेंगे कि कैसा हो रहा है। और मैं करता हूँ वापस पॉज। सो ये हो गया रेंडर, बिलीव मी इसको बहुत टाइम लगा रेंडर करने होने के लिए। तो बेसिकली जब भी हम ये ग्लॉसीनेस कम करते हैं तो वो कैलकुलेट करने के लिए बहुत टाइम लगाता है। अच्छा हुआ मैंने पॉज किया, नहीं तो बहुत समय मेरा मतलब वीडियो ऐसे ही चलता था। सो इन द सेंस यही था आज का टॉपिक, एक कलर्ड ग्लास और ये जो हमने ब्लर्ड किया है, जैसे कि ये ग्लॉसीनेस कम किया है। सो यही था मेरा आज का टॉपिक। सो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।